देखिए, हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जो आपको POS बता रहे हैं। ज़रूरी नहीं हमें 10 POS मिले या 5 मिले, एक भी POS मिल गया तो हम उसी वक्त बोल देंगे ऑप्टिकल इनएक्टिव। आपको सिर्फ एक सेलेक्ट करना है, क्या इसके अंदर एक मिल रहा है? हाँ। कैसे मिलेगा? इस तरह से कांटे पर। तो एक POS है, इसके अलावा नहीं मिल रहा है आपको। एक मिलते ही ये क्या हो गया? मेजो। इसके अंदर कितने मिलेंगे? लिखा हुआ है दो। एक तो ये पूरा मॉलिक्यूल प्लेन में ऐसे आ जाएगा और एक यहाँ से कटेगा, दो। तो दो मिल गए, हमें तो एक सेलेक्ट करना था। इसमें कितने होंगे? एक ये और एक पूरा प्लेन, दो। मेजो है या नहीं है? है। प्लेन में ही होगा, क्यों? क्योंकि ये जो भी होगा प्लेन में, इस कार्बन में एक कितने हाइड्रोजन है? तीन। तीन में से एक हाइड्रोजन तो प्लेन में आ जाएगा और एक ये वाला बॉन्ड आएगा और एक ऊपर और नीचे वाला जो होगा वो बराबर कट जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल प्लेन में कटेगा जिस प्लेन में बेंजीन नहीं है और पूरा काटता चला जाएगा। इसमें कितने आएंगे? एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। समझ में आ रहा है? तो दो हो गए। इसमें क्या हो गया? एक इस तरह से काट दो, एक इस तरह से काट दो, एक इस तरह से काट दो। तीन तो यही हो गया और एक प्लेन में, चार। मैं जो है हमें एक का सिलेक्शन करना है, हमें कोई ज़्यादा नहीं। इसमें तो बहुत सारे, एक दो तीन चार पाँच छः, बीच में से भी, और एक प्लेन, सात। स्लाइड में ये यहाँ से काट दो आप, बिल्कुल बराबर, बिल्कुल मिड में से लेते हुए, वन। इसको भी मिड में लेते हुए काट दो और एक इस तरह से भी काट सकते हो, दो। इसको कहाँ से काटेंगे? बीच में से लेते हुए, एक। एक मिल गया, बहुत है। इसके लिए हमारे पास एक दो तीन, बस। साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन नहीं है। तो कि साइक्लोप्रोपेन को नहीं काट सकते क्योंकि टेट्राहेड्रल शेप में जाएगा वो, बेंजीन रिंग में होता है तो प्लेन में कट जाता। तो जितने भी साइक्लिक कंपाउंड है बेटा, वो सिमेट्री को देखते हुए काट दो आप। आ रही है बात? तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो गया। तो चलिए, अगर ये इस तरह का होता, ध्यान से सुनना, CH3 CH3, तो क्या इसमें POS होता? हाँ। कैसे जाता? इस तरह से, बस सिर्फ एक ही होता। लेकिन अगर ये ऐसे होता, एक सॉलिड होता और एक वैज होता, तो फिर POS नहीं होता, POS नहीं होता और ये ऑप्टिकली एक्टिव होता। इज दैट क्लियर? ऑप्टिकली एक्टिव होता, हाँ या ना? तो ये हमारे पास बहुत इजी इजी फॉर्मेट में रहा, हमने सब समझ लिया। लिखें इसको। तो हम स्टडी पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ इन्वर्जन। व्हेन ऑल लाइक ग्रुप्स आर कनेक्टेड बाय व्हेन ऑल लाइक ग्रुप और एटम्स आर कनेक्टेड बाय एन एक्सेस एंड दैट एक्सेस इज पॉसेस एंड दैट एक्सेस इज पॉसेस थ्रू इट्स सेंटर। एंड लाइक ग्रुप आर इक्वी डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर देन इट इज नॉन एज सेंटर ऑफ सिमेट्री
तो मैं आपको उसी चीज को कमेंट कर रहा हूं, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं कुछ अच्छे से। CH3H, CH3H, समझ में आ रहा है? तो क्या आपको ये सेंटर नहीं दिख रहा? जितना यहां जा रहा है उतना ही यहां, जितना यहां जा रहा है उतना ही यहां। तो ये वाला पॉइंट अपने आप में क्या कहलाएगा? COS, COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री। एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, CLCL मैंने लिया है, तो क्या ये वाला पॉइंट मेरे लिए COS नहीं होगा? जितनी डिस्टेंस में यहां CL है उतनी डिस्टेंस में यहां CL है, जितनी डिस्टेंस में यहां H है उतनी डिस्टेंस में यहां पर H है, तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा? COS। एक और एग्जांपल, इस पॉइंट से देखा जाए तो अप एंड डाउन सेम एटम आ रहा है, अप एंड डाउन ये भी सेम एटम आ रहा है और हर पॉइंट पे सेम है, तो ये वाला पॉइंट भी हमारे लिए क्या होगा? COS। ये भी हमारे लिए क्या होगा? COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री। इस एग्जांपल को देखिए, CH3, CH3, क्या ये वाला पॉइंट जितना दूर ये CH3 है उतना ही दूर ये है? ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, आ रही है बात समझ में? तो आप इस जगह इसको बोल सकते हैं COS, जितना ऑक्सीजन यहाँ है उतना ही ऑक्सीजन यहाँ दूरी पर है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? COS। तो अब आप मुझे बताएं, यहां मैंने Cl लिया, H लिया, Cl लिया, H लिया, CH3 लिया, CH3 लिया, क्या ये वाला पॉइंट मेरे लिए COS है या नहीं है? पहले बोलो, इसमें नहीं देख सकते। बिल्कुल सही कहा, यहां देखना बेवकूफी, अगर कोई बच्चा ऐसे देखता है तो ये गलत है, COS नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फिशर प्रोजेक्शन है, हमें किसमें देखना चाहिए? न्यूमान में, न्यूमान में या फिर 100 हर्ट्ज में। तो मैंने 100 हर्ट्ज बनाया, आप जानते हो ये कार्बन मेरे पास ये आ गया, ये कार्बन मेरे पास यहाँ आ गया, सही है? यहाँ CH3 इस तरफ आ गया, यहाँ CH3 इस तरफ आ गया, ये दोनों CH3 मैंने लगा दिए, डैश सॉलिड, डैश सॉलिड, ऐसे ही लिखता हूं मैं, डैश पहले, डी पहले, फिर सॉलिड, डैश सॉलिड लिख लिया। कैसे लगेगा ये जो सॉलिड है? ये कौन सा रहेगा मेरा? ये मेरा हाथ कौन सा है? लेफ्ट, और लेफ्ट में कौन है यहां पर? एच, सही है? और ये क्या होगा? सी एल, और एच के सामने यहां पर क्या आ रहा है? सी एल, दिख ही रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है? नहीं है, मुझे तो नहीं दिख रही है। क्यों? इसको देखने के लिए, क्योंकि CH3 इस तरफ, CH3 आ रहा है इस तरफ नहीं आ रहा, इस पोजीशन पे तो नहीं दिख रही है। चलो घुमा लेते हैं इसको, इसको घुमाया, CH3, CH3 यहाँ आया, अब इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रही है अभी तक, लेकिन अभी हमारी पिक्चर बाकी है Cl, और ये क्या हो जाएगा? H। ये Cl अब क्या हो जाएगा? सॉलिड या डैश? और ये सॉलिड, ये डैश पीछे की तरफ है और ये भी पीछे की तरफ है। क्या मजा आया? कोई मजा आया? नहीं आया, दोनों पीछे हैं, एक पीछे होना चाहिए था और एक क्या होना चाहिए था? आगे। तो क्या ये COS लगता है? नहीं लगता, ये भी आगे, ये भी आगे, आगे पीछे होना चाहिए था। हाँ,
अगर कुछ ऐसा होता, कैसा? CH3, CLH, तो क्या होता? क्या ये COS इस जगह सेंटर ऑफ सिमेट्री रखते? हाँ, इस जगह रखते, क्योंकि जब मैं इसका फीचर चेंज करता, मान लीजिए ये C1 कार्बन है, ये C2 कार्बन है, C1 C2, CH3 नीचे, ये CH3 ऊपर, मैं डायरेक्ट ही बनाना चाह रहा हूँ, डैश सॉलिड पक्का, और ये डैश और इधर सॉलिड, ये यहाँ सॉलिड और ये डैश, इस तरफ कौन पहले आता? मेरे लिए लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है? यहाँ पर H नहीं, Cl है, और यहाँ पर H है, इज दैट क्लियर? यहाँ पर ये बाहर की तरफ है, लेकिन उल्टा लिखना है क्योंकि देख ऊपर से रहे अपन, समझना। तो यहाँ पर मेरे पास ये बाहर की तरफ है, तो मुझे ये वाला पकड़ना है, यानी राइट वाला पकड़ना है, और राइट वाला कौन है यहाँ पर? H। आ गई बात समझ में? अब बताइए कि CH3 के अपोजिट में CH3 है, हाँ, Cl के अपोजिट में Cl है, हाँ, H के अपोज में H है, हाँ। तो कुल मिला के ये वाला जो कार्बन है, ये COS रखता है, तो ये COS रखता है, यानी ये भी COS है। तो क्या फिशर में डायरेक्ट दिख रहा था आपको? नहीं दिख रहा था, लेकिन 100 हॉर्स में चेंज करते ही आपको दिखने लग गया, यही मैं आपको समझा रहा हूँ। फिशर में गलती हो सकती है, 100 हॉर्स में नहीं होगी। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आपने कर लिए। एक और एग्जाम्पल आप लिखेंगे, अब जो आपने करा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग शो COS, विच ऑफ द फॉलोइंग COS, COS कौन रखेगा? CLH, CLH, क्या ये COS रखता है या नहीं रखता? आपको बस एक एक करके टिक करना है, हाँ या ना? कैसे बेटा, क्या ये COS रखता है? लेकिन क्या ये POS रखता है? हाँ, ए ऑप्शंस, तो COS तो नहीं रखता, लेकिन POS रखता है, बी ऑप्शंस। क्या ये COS रखता है और POS रखता है? COS हो या POS हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिख रहा है आपको? तो जो कंपाउंड COS या POS में से कोई भी एक रखता है, तो वो कंपाउंड ओवरऑल क्या कहलाता है? मेजो। तो COS की जगह मेजो लिखते थे, तो अपना आंसर और अच्छा हो जाएगा, फिर आंसर ए हो जाएगा, हाँ,
बी हो जाएगा, हाँ मेजो अगर लिखा है तो। सी ऑप्शंस और ले लेते हैं हम। बताइए क्या ये सीओएस रखता है, हाँ या ना? क्या ये पीओएस रखता है? क्यों? क्योंकि ये वाला प्लेन कट जाएगा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है, लेकिन अगर ये सीएल ऊपर होता तो सीओएस भी मिल जाता आपको, तब आपको पहले से ज़्यादा। तो बताइए मेजो क्या ये है? हाँ। क्या ये मेजो है? हाँ। और ऑल अगर हमारा डी आंसर होता ऑल, तो ऑल जाता। तो मेरी लैंग्वेज समझ में आ गई आपको? लिख लें इसको। हटा दिया जाइए। भाई एक्सेस ऑफ सिमेट्री हम कैसे चेक करेंगे और किस तरह से लिखते हैं? सी एन, देखिए आपके पास ये कोई एक्सेस है और आप पूरा रोटेशंस कर रहे हैं 360 डिग्री, पूरा एक बार रोटेट करके वहाँ आ गए जहाँ से स्टार्ट किया था। समझ में आ रहा है? तो सेम व्यू, एन की वैल्यू होगी सेम व्यू, कितनी टाइम्स प्रेजेंट रहा, यानी सेम व्यू नंबर, एन किसको रिपीट कर रहा है? नंबर ऑफ रिपीटेशंस, रिपीटेशन ऑफ सेम व्यू ऑन रोटेशन ऑफ 180 डिग्री, 360 डिग्री, वो एन को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई भी रोटेशन 180 डिग्री पर हो रहा है, सेम व्यू गेन ऑन 180 डिग्री, सेम व्यू गेन ऑन 180 डिग्री, यानी मुझे हर चीज 180 डिग्री पे दिखाई दे रही है, तो सी एन की वैल्यू क्या, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, यानी 360 डिग्री पे मेरे को दो बार वो चीज़ दिखाई देगी। सपोज 180 डिग्री पे दिखाई दे रहा है और वो चीज़ फिर घूम के 180 डिग्री पे दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब एन की वैल्यू 2 हो जाएगी और इसको हम क्या बोलेंगे? सी 2, सेम व्यू गेन ऑन 120 डिग्री, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, और हम एक्सेस को बोलेंगे C3, और सेम व्यू गेन ऑन 90 डिग्री, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 4, और हम बोलेंगे C4। तो मैं आपके साथ हूँ, मेरे पास ये कार्बन हाइड्रोजन मिथेन है, बताओ ये एक्सेस टेट्राहेड्रल है, ये एक्सेस आपके लिए क्या हो जाएगी? कितनी बार आपको एक ही चीज़ दिखाई देगी? हर बार 120, 120, 120 पे आपको एच दिखाई देगा, तो क्या कहलाएगी? C3। बोलो कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? अच्छा दूसरा एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये C डबल बॉन्ड C, CH3, अब आप मुझे बताएं, या तो आप मॉलिक्यूल को घुमा लें, वही चीज़ कितनी देर बाद सेम चीज़ आएगी, या आप खुद घूम के देख लें। तो मॉलिक्यूल को घुमाएं तो ज़्यादा सही रह रहा है यहाँ पर, क्यों? क्योंकि आप घूमेंगे तो नहीं, वही चीज़ आपको कैसे मिलेगी, कितने डिग्री एंगल पे मिल जाएगी? 180 डिग्री। तो आप इसको घुमाएंगे तो 180 डिग्री पर मिल रहा है, यानी 180 डिग्री पर रिपीटेशन हो रहा है।
रिपीटेशंस, तो 180 पे वही चीज़ आ रही है, तो इसका मतलब ये कौन सी एक्सेस हो गई, सी टू, हाँ या ना, लिखें ये सी टू एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। हाँ बेटा डबल बॉन्ड, अरे ये तो हाइपोथेटिकल कंसेप्ट से घुमाना नहीं है, पूरे मॉलिक्यूल को पकड़ के घुमा रहे हो आप, ऐसे समझ लो ठीक है ना, पूरे मॉलिक्यूल को, कि पूरे मॉलिक्यूल को घुमाया आपने। अच्छा क्या यहां पर भी ऐसा हो रहा है, समझना कितनी बार मिलेगा आपको वही चीज, 360 पे घुमाने पे आपको हर चीज दो बार दिख रही है, ये भी सी टू एक्सेस है या नहीं है, है तो इसको भी लिखें आप, बोलो यस और नो। अच्छा ये सब क्या है आपके पास सी टू, एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं आपके लिए, पिरिडीन, पिरिडीन नहीं है क्या, ये पिरिडीन नहीं है, कैसे देखेंगे इसको, हाँ नेफ्थालीन, कैसे देखेंगे इसको नेफ्थालीन को, इसमें सी टू एक्सेस ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, पिरिडीन अलग, देखिए बहुत सही है, क्या ये वाली एक्सेस में आप घुमाने तो सी टू मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक ये और एक ये, यूं है तो बताओ ये भी सी टू हो जाएगा, तो कितनी सी टू एक्सेस होगी इसमें, वेरी गुड, बस मॉलिक्यूल को घुमाते जाओ कितनी बार दिख रहा है आपको सिमेट्री वो देखना है आपको, फिर देखते हैं एक और एग्जांपल, तुम्हारी बात मैं मान रहा हूँ, इसके अंदर अगर मैंने कुछ लगा दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, यहाँ लगाते तो फिर तो पूरी दिक्कत हो गई, फिर तो दिखेगा ही नहीं, लेकिन अगर यहाँ पर मैं इस तरह से ले रहा हूँ एच एच, तो देखिएगा एक तो ये हो गई सी टू, एक ही हो गई सी टू, एक और हो सकती है ये भी सी टू है, यू हाँ यू यू घुमा सकते हो, सिमिलर आएगी दो बार मॉलिक्यूल को यू घुमा सकते हो ठीक है ना, एक ये हो गया, ये कौन सी एक्सेस में घुमा रहे हो, जो भी एक यू हो गया और एक कौन सा हो जाएगा, तीसरा रोटेशन भी हो सकता है, एक ये वाले प्लेन में, एक ये वाले प्लेन में, दो और तीसरा कौन सा प्लेन हो रहा है, वो ऐसे होगा बिल्कुल अलग जाएगा पूरा पूरा ऐसे, ये पूरा का पूरा यूं, समझ में आ रहा है पूरा का पूरा यूं, तो तीनों एक्सेस में ये सी टू है, तो कितने सी टू दिखेंगे आपको, तो एक एक्सेस ये हो गई, एक एक्सेस ये हो गई और एक एक्सेस ये हो गई, ये इस तरह का हो गया, ठीक है थोड़ा दिमाग अपने से भी लगाना पड़ेगा, बना लिया आपने लिखे, तो चलिए इस एग्जांपल को करते हैं, कॉलम ए और कॉलम फर्स्ट सेकंड में आपको बनाना है, क्या लग रहा है आपको, क्या ये आपके पास जो एक्सेस बनेगी ये एक्सेस कौन सी कहलाएगी, सी टू या सी थ्री, सी टू, सी टू हर चीज़ दो बार दिखेगी, इसको पूरा घुमा दो 180 घूमते ही सेम चीज़ आ जाएगी, फिर 180 घुमाओ वापस सेम आ जाएगी, यानी कि 360 में दो बार दिखाई दे रही है, नहीं मुझे नहीं दिख रहा ऐसे,
ऐसे एक्सेस यहां से या ये यहां से, नहीं ये यूं भी नहीं जा सकता है और यूं भी नहीं जा सकता, ये तो बस ऐसे ही जाएगा। आ रही है बात? तो मेरे लिए सी टू है, यानी इसका आंसर क्या जाएगा, पी, पी तो जाएगा। क्या इसमें सी थ्री करके कोई एक्सेस दिखाई दे रही है? नहीं, तो क्यू तो नहीं जाएगा, पी ओ एस है। हाँ पूरा कंपाउंड ही पी ओ एस है, तो इसका पी के अलावा क्या जाएगा आंसर, आर। इसको देख लीजिए, क्या इसमें पी ओ एस है? हाँ, तो ये आर तो हुई और ये आपके लिए सी टू भी है, तो अपने आंसर क्या हो जाएगा, पी आर दोनों जाएगा इसके लिए। सी थ्री एक्सेस दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है क्या? नहीं, बस इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्या दिखाई दे रहा है इसके लिए आपको आंसर? मुझे सी टू दिखाई दे रही है क्या इसके लिए? कितनी बार? दो बार। इसको ऐसे घुमाओ, इसको ऐसे नहीं ऐसे घुमाओ, हाँ यूं घुमाओ, तो ये वाली चीज़ वहाँ चल जाएगी, वो चीज़ यहाँ आ जाएगी, पक्का? तो ऐसे घुमाओ, तो क्या सी टू है इसमें? हाँ है, यानी आप इसको इस वाली एक्सेस पे घुमा रहे हो अलग भी, जैसे भी आपको दिखाई दे रहा है। कैसे घुमा रहे हो आप? या तो इसको ये वाली एक्सेस पे घुमा लो यार, क्यों परेशान हो रहे हैं, ऐसे घुमा लो आप, तहज अपने आप दिखाई देगा। या सुनो, या इसके अकॉर्डिंग घुमा लो आप, हाँ कैसे भी कर लो, बहुत सारी एक्सेस हैं इसमें सी टू, तो कैसे भी देख रहे हैं आप, क्या इसमें सी टू है या नहीं है? हाँ है, इस एक्सेस पे घुमाओगे आप तो ये वाली चीज़ नहीं दिख जाएगी, सी एल और वाली इधर आ जाएगी, और इस तरह पे घुमाओगे तो एच इधर चला जाएगा, ये एच इधर आ जाएगा, सी टू है या नहीं है? है, तो पी तो है और प्लेनर है, तो आर तो हो गई। सी थ्री नहीं दिख रही इसमें, और इसको देखो, इसमें तो ये रही सी टू, दिखी गई, बहुत आसानी से दिख रहा है आपको। ये नहीं दिखना कितनी सी टू है, आपको ये देखना सी टू है या नहीं है, है, ख़त्म बात। तो यहाँ सी टू है, तो ये और प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसका आंसर भी पी आर, सबको आंसर पी आर, पी आर, पी आर, पी आर, समझ में आ गई बात? अगर कोई कंपाउंड ऐसा होता है इसके अंदर बी ई एफ एफ और ये एक्सेस पकड़ लेते आप, ये एक और बना लो पी क्यू ए बी सी डी ई, इस ई के क्या आंसर आते हैं? क्या इसके पास इनफाइनाइट एक्सेस ऑफ सिमेट्री है? हाँ, क्योंकि ये तो पूरा मॉलिक्यूल एक ही उस एक्सेस पे आ गया, तो सी आई है, हाँ, तो इसका आंसर एस भी होता, आर भी होता, एस भी होता। अब ये देखो क्या इसमें सी टू है या नहीं है, अगर इस मॉलिक्यूल को ऐसे पकड़ के घुमाते तो इसका आंसर पी भी होता, बोलो यस और नो, तो इसका आंसर क्या होता, पी आर एस, तीनों आ गए, लिख लें इसको, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड विदाउट कायरर, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड विदाउट कायरर, विदाउट कायरल कार्बन, तो कैसे सोचेंगे इसको, समझे? मान लीजिए ये मेरे पास एक कंपाउंड है, दिखने के लिए बहुत आसान है, ये ए बी सी डी कैसा दिखाई दे रहा है, प्लेनर, लेकिन है नहीं, नॉन प्लेनर है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये कंपाउंड कुछ इस तरह का है, सही है? तो जब कंपाउंड ये इस तरह का है, ए बी और यहाँ सी और यहाँ डी, तो ओवरऑल ये कंपाउंड कैसा दिखाई देगा आपको, नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर है ना, और जिसमें पी ओ एस नहीं होगा वो कायरल है अपने आप में, तो कंपाउंड कायरल है लेकिन कायरल कार्बन नहीं है,
जो भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है वो मेरे लिए क्या कहलाते हैं? कायरल। कंपाउंड इज कायरल, कार्बन इज नॉन अकार, वो कार्बन इज अकायरल। तो यहां एक बहुत अच्छी बात आपको दिखाई दे रही है, कार्बन अकायरल है और कंपाउंड कायरल है। लिखें इसको। तो ऐसे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होंगे या नहीं होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव, बस ध्यान रखना, अगर आप यहां से प्लेन काटते हो, सपोज ये लेने की कोशिश करते हो, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, मैंने प्लेन ऐसा लिया, पूरा इस प्लेन को ले लिया जिसमें बी सी है पूरा का पूरा, तो ऊपर ए और नीचे क्या आएगा? बी आएगा। और अगर मैंने प्लेन ऐसे काटा तो ऊपर सी आएगा और नीचे क्या आएगा? डी आएगा। तो कहीं से भी देख लो आपको पी ओ एस नहीं दिखाई दे रहा। दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा। तो ध्यान से देखिएगा, ये सारे कंपाउंड ऐसे ही कटते हैं। इसको स्लाइड बनाते हुए काटा, इसको स्लाइड बनाते हुए काटा, तो भूल जाओ ये सी और डी। सी पता है कैसे जाएगा? सी एक पीछे की तरफ जाएगा और एक आगे की तरफ आएगा। आ रही है बात समझ में? और इसको स्लाइड बनाया तो ये ए बाहर की तरफ और बी नीचे की तरफ, आप देख सकते हो। मैं फिर बना रहा हूं इसको, सी और डी, मैंने इसको स्लाइड बनाया तो पता है क्या होगा? ये प्लेन ऐसे है तो यहां पर एक अंदर की तरफ होगा और एक बाहर की तरफ होगा। तो कभी भी पीओएस नहीं दिखाई दे रहा आपको, और जब पीओएस नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको यहां पर क्या फायदा होगा? कि यहां पर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड मिलेगा। और इसको एक ही कायरल की तरह ट्रीट करते हैं, समझ में आ रहा है? कार्बन कायरल नहीं है लेकिन कंपाउंड क्या है? कायरल है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये कायरल सेंटर कितना होगा, यानी स्टीरियो सेंटर कितना होगा? 1 काउंट होगा। और इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे? दो, दो बनेंगे। इज दैट क्लियर? तो इन सबको अगर हम बात करें तरीके से तो एक ही कायरल की तरह ट्रीट करते हैं। तो मैं आपके साथ वापस आ रहा हूं इससे रिलेटेड एग्जांपल लेते हुए, बहुत सारे तेजी से करें। तो एक टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने से पहले मैं कुछ और भी समझा देता हूं एग्जांपल। अगर चार कार्बन है तो मॉलिक्यूल पीओएस रखेगा या नहीं रखेगा? रखेगा, बिल्कुल, फिर एक ही प्लेन में आ गए। और अगर पांच कार्बन है तो पीओएस नहीं रखेगा और ऑप्टिकल एक्टिव होगा। पीओएस नहीं रखेगा और ऑप्टिकल एक्टिव होगा, होगा। लेकिन चलिए तीन कार्बन है, लेकिन कोई भी एक वैलेंस, एक कार्बन की वैलेंसी सेम रख दी तब तो पीओएस आ जाएगा। तब पीओएस आते ही ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये जो आएगा, मान लीजिए ये ऊपर है और ये नीचे है, बस यही बात हमारे को चुभ गई और हमें पीओएस मिल गया। सबसे ऊपर वाला, ये चार कार्बन आते ही प्लेन में आ गया। मैंने आपको बताया था ना, इवन कार्बन प्लेनर होते हैं और ऑड कार्बन नॉन प्लेनर होते हैं, क्यूमुलिन में, ये क्यूमुलिन कहलाती है। यस और नो? कुछ और इससे मिलते जुलते एग्जांपल हम करते हैं। स्पायरो, यहां तो लिख लो क्यूमुलिन ऊपर,
ये पूरी क्यूमुलिन की क्लास हो गई। यहां बात करते हैं हम स्पायरो, समझ में आ रहा है? स्पायरो, क्या ये स्पायरो है? अभी नहीं, अभी स्पायरो नहीं है, लेकिन अब हमारे लिए आप समझ सकते हैं, ये हमारे पास कार्बन है, ये हमारे पास कार्बन है, ये स्पायरो कंपाउंड है। ये क्या एक जगह प्लेन रख पाएगा? नहीं। अभी देखते हैं, अभी तक तो हाँ ए और यहां बी, ये हमारे लिए सी और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? डी। तो आप इसको कैसे ट्रीट करेंगे? बिल्कुल क्यूमोलिन की तरह। अच्छा रहेगा आपको अगर ये समझ में आ जाए, तो ये क्यूमोलिन ही है एक तरह से, सी डी ए बी, और ये आपके लिए हो जाएगा सॉलिड में और ये आपके लिए हो जाएगा डैश में। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? तो जब आप इसको बोल सकते हो कि ये पीओएस नहीं रखता, तो क्या इसको बोल सकते हो पीओएस रखेगा? नहीं रखेगा। ये भी पीओएस नहीं रखेगा। तो जब ये पीओएस नहीं रखेगा, ये सिमिलर है, सिमिलर लेना पड़ेगा आपको समझाने के लिए, तो क्या ये पीओएस रखेगा? नहीं। तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा? हाँ। तो ये बहुत इजी कंसेप्ट है कि आप इसको इसकी तरह ट्रीट करके फटाफट बता दो। आ रही है बात समझ में? तो अगर कोई कंपाउंड ऐसा है, ये सॉलिड, ये डैश, फिर ये इस तरह से आएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये सेम प्लेन में होगा या नहीं होगा? होगा। देखो, ये प्लेन में या आउट ऑफ प्लेन में? ये प्लेन में। आपने यही प्लेन ले लिया, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो इक्वल कटेगा ही कटेगा, तो बचा क्या? ये सब तो प्लेन में आ ही गए। तो क्या ये पीओएस रख रहा है या नहीं रख रहा? रख रहा है। इसको किस तरह से ट्रीट करेंगे? ये कार्बन मान लिया, फिर डबल बॉन्ड, ये कार्बन मान लिया, फिर ये डबल बॉन्ड, ए बी सी डी, इवन कार्बन एल की क्यूमोलिन पीओएस रखती है, और पीओएस रखती है तो ऑप्टिकली क्या होगा? इनएक्टिव। आपको समझ में आ गया ये लैंग्वेज? चलो बढ़िया। तो हमने दो कर लिया, क्यूमोलिन स्पायरो। इसको देखते हैं डाइबेंजीन वाला केस, डाइफिनाइल। डाइफिनाइल को कैसे देखते हैं आप? दिक्कत क्या है कि स्टेरिक क्राउड की वजह से ये वाली फिनाइल अलग प्लेन में रहती है और ये वाली फिनाइल इसके परपेंडिकुलर प्लेन में रहती है। दिखने में भले ही आपको ऐसा लग रहा है कि प्लेन में है, लेकिन ये अलग प्लेन में है। तो क्या ये प्लेन में है? नहीं है। लेकिन क्या ये वाला प्लेन इसको इक्वी पार्ट में डिवाइड कर देगा? हाँ कर देगा, बिल्कुल कर देगा। तो क्या ये पीओएस रखेगी? हाँ पीओएस रखेगी। तो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा? ये इनएक्टिव। दूसरी तरफ ये आपने एक और फिनाइल लिया और एक और आपने प्लेन बनाया,
ये दोनों फिनाइल अलग अलग प्लेन में है, समझ में आ रहा है। लेकिन यहां पर अब आपने ब्रोमीन लगा दिया, क्या लगा दिया, ब्रोमीन, लो कर लो बात। तो ये वाला प्लेन काटते वक्त क्या ये पीओएस रखेगी, नहीं। तो क्या इसमें पीओएस है, पीओएस है क्या इसमें, है। कैसे, इसको लेते हुए काट दो, जरूरी है क्या उससे इसको काटो, स्लाइड्स को इस तरह काट दो, तो पीओएस है। अब इससे काटना है आपको, कट बाय दिस, तो पीओएस आ जाएगा शट। तो बराबर आ गया, पीओएस आता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, कोई समझ में आई बात। तो अब आप मुझे बताओ, बहुत बढ़िया तरीके से यहां ब्रोमीन लगा दिया और यहां ब्रोमीन लगा दिया, अब पीओएस है क्या, इससे इसको काटोगे, एक तरफ ब्रोमीन आएगा एक तरफ इससे इसको काटोगे, नहीं आएगा। तो यहां पीओएस नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बोलो यस और नो, लिखो इनको, करो जल्दी से। नहीं आज तो प्रवचन सुनने वाले हैं, लंबे वाले हैं, आने तो बच्चों को जाने थे, कौन सुनेगा, तभी तो आए क्यों, या तो आते ही नहीं। तो ये टॉपिक समझ में आ गया अब अच्छे से। आज अपन ने बहुत सारी चीज़ें करते चले जा रहे हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री पढ़ लिया, पीओएस के अलग अलग एग्जांपल ले लिए, तो कुछ एक 50 एग्जांपल इस पे भी करा देता हूँ, 30 करा देता हूँ, डरो मत। आज क्या मौसम बहुत अच्छा हो रहा है यार, मेरे को ऐसा लगता है मैं इतनी तली फली चीजें खाता हूँ ना बाजार से खरीदी हुई, कहीं ऐसा नहीं है, नहीं हो यार, अभी तो जिन बच्चे हैं पर नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल सही कहा, बाजार का कोई खाना कुछ नहीं खाएगा, सब घर का खाएंगे आपसे, तुम क्या खाते हो सुबह नाश्ते में, और यहाँ खाना कहाँ खाने जाते हो, टिफिन आता है किसके यहाँ से, पंजाबी मैस करोगे, अच्छा आता है पंजाबी मैस का, ये वाले का, ये कॉर्नर से दूसरी वाली, ये तो नॉन वेज भी बनाता है ना, प्योर वेज है, अच्छा नहीं है लग रहा, एक इसका आता है पाली ऊपर यहाँ पर, और एक पाली वाल, तीन तो यही हो गई, पंजाबी इधर, उसका तो एक नंबर है, महंगा है लेकिन यार वो 3,500 रुपये या 3,000, उसका एक का टिफिन भी आता है, वो भी आता है, क्या कहते हैं मेरे यहाँ मंगाते थे कोई, उसका लंच बॉक्स भी आता है, सुबह नाश्ता भी आता है, और दिन में खाना आता है, और मतलब तीन बार आता है, दो बार खाना एक बार नाश्ता सुबह सुबह, वो तो सही है, लेकिन वो अच्छा देता है, जैसे पूरी भाजी भेज दी या
ब्रेड ऑमलेट भेज, ब्रेड सैंडविच भेज दिया, ऑमलेट तो नहीं, नॉनवेज नहीं, आलू के पराठे भेज दिए, फिक्स है उसके, है कोई मेरे को, मैं तेरे को पूछ के बता दूंगा। नाश्ता आता है बकायदा, 300 रुपये नाश्ते के लेता है, 10 रुपये पर डे का नाश्ता आता है लेकिन, और अच्छा होता है, 10 रुपये में आपको पूरी सब्जी मिल गई और क्या, ब्रेड आ गया, कुछ भी आ गया, हर दिन आएगा तेरा टाइम पे। जा रहा है 10 बजे के बाद कभी? ऐसे हो सकता है, आ गया, चलो तैयारी कर दो अब। हाँ वैभव, हाँ बोल मैं, हाँ हाँ कह देना, मैं क्लास में हूँ, 1:30 बजे से पहले मत करना, ठीक है? इतना बड़े इंस्टीट्यूट चलाती हो, देखिए ये कुछ एग्जाम्पल हैं, देखिए आपने कितने सही करे हैं, आपको इनमें ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकल एक्टिव और इनएक्टिव, क्या ये POS है? हाँ। और एक्टिव इनएक्टिव? इनएक्टिव, काट दो। क्या ये POS है? नहीं। उसके बाद नहीं है तो इधर से तो बन गया, हाँ है, तो एक्टिव इनएक्टिव? इनएक्टिव, क्योंकि POS है ये वाले प्लेन से, इसको काट दो, ऊपर भी सी नीचे भी सी, बस किसी भी एक में, दोनों सेम हो गए तो POS फिर है, सेम होते ही POS है। अब इसकी स्लाइड बना के काटो, तो ये ऊपर भी सॉलिड आएगा और नीचे भी क्या आ जाएगा? सॉलिड। इस स्लाइड को लेते हुए काट दो तो POS आ जाएगा, POS आते ही ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये एक्टिव, पहला एक्टिव आ रहा है, क्योंकि किसी भी स्लाइड से काटो, ऊपर सी नीचे डी, या इसको स्लाइड दो ऊपर ए नीचे डी, ए बी, लेकिन तो POS वैसे ही है, पूरा प्लेन में कट गया ये बिल्कुल, यहां पर बिल्कुल, ये दोनों स्लाइड्स एक दूसरे को काट ही नहीं पाएगी, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव है, ऑप्टिकल एक्टिव, नीचे वाला इनएक्टिव, ये तो क्यों एक प्लेन में आ जाएगा, प्लेन